हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज के क्लास में फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के यूजेस के बारे में। तो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे यूज ऑफ माइट का और कैन का भी स्टार्ट कर चुके थे, और कैन का रूल नंबर 2 तक पढ़े थे हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूज ऑफ कैन का रूल नंबर 3rd से। तो चलिए आइए देखते हैं आज की वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हेडिंग बना ले यूज ऑफ कैन। Use of can, inverted comma में रख लेना है इसे। ऑलरेडी हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं, तो लास्ट रूल था हम लोगों का ये कि कैन का यूज हम लोग सर्कमस्टेंशियल कंडीशन में करते हैं। परिस्थिति जन, अगर परिस्थिति के कारण कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग ऑलरेडी कैन का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब रूल नंबर 3rd से। कैन इज यूज्ड टू शो द फिजिकल कैपेसिटी, फिजिकल कैपेसिटी। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां क्या लिखे हैं कि कैन इज यूज टू शो द फिजिकल कैपेसिटी। ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली हम लोग डेली लाइफ में क्या करते हैं कि बहुत सारी चीजों के लिए एक ही वर्ड का यूज कर लेते हैं, वो क्या है, पावर। कैसे यूज करते हैं, क्या आप ये सवाल सॉल्व कर लीजिएगा, पावर है। क्या आप इसे उठा लीजिएगा, पावर है। क्या आप ये बोल सकते हैं, पावर है। आई मीन एक ही वर्ड से हम लोग काम चला लेते हैं, जो बिल्कुल क्या है, गलत है। क्योंकि हर एक चीज के लिए पावर की जरूरत नहीं होती है, और अलग अलग सेंस में अलग अलग पावर की जरूरत होती है कि नहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा, कैन इज यूज टू शो द फिजिकल कैपेसिटी, इसमें आपको शारीरिक एनर्जी की जरूरत है, शारीरिक ताकत की जरूरत है कि नहीं। बट एक सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या आपको ताकतवर होना जरूरी है, नहीं ना। तो क्या बोलते हैं हम लोग, सभी जगह एक ही वर्ड पावर का यूज कर लेते हैं। लेकिन आज के बाद से ऐसा नहीं करना है, कि देखना हम लोगों को कि किस सेंस की बात हो रही है, उस जगह हम लोग यूज करेंगे। चाहे वो फिजिकल कैपेसिटी हो, चाहे वो कैपेबिलिटी हो, या मेंटल एबिलिटी हो। अब आइए एग्जांपल लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है कि कैन का यूज हम लोग फिजिकल कैपेसिटी में करते हैं। जैसे एग्जांपल, यू कैन लिफ्ट दिस सूटकेस। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यू कैन लिफ्ट दिस सूटकेस, आप इस सूटकेस को उठा सकते हैं। सपोज दैट, मान के चलिए यहां आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, और आपके सामने 4 ऑप्शंस है। क्या मान के चलिए, कैन, बी में दिया हुआ है कूड, सी में दिया हुआ है मे, और डी में दिया हुआ है माइट। ऐसा आपका ऑप्शन दिया हुआ है एग्जाम में। एग्जाम में जस्ट लाइक इसी तरह पूछेगा, फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। और जैसे मान से ये क्वेश्चन हो गया, और नीचे में ए बी सी डी करके आपको 4 ऑप्शंस रहेगा, और आपको चूज करना है कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, यू डैश लिफ्ट दिस सूटकेस, आप सूटकेस को, आप इस सूटकेस को उठा सकते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ आपको फिजिकल कैपेसिटी की जरूरत है, शारीरिक एनर्जी की जरूरत है। तो फिजिकल कैपेसिटी में किसका यूज करते हैं हम लोग, कैन का। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप क्या भरेंगे यहाँ, कैन। क्या हो जाएगा, कैन। बात समझ में आ गई कि एग्जाम में भी किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए अब और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। You can cut this wood. आप इस लकड़ी को काट सकते हैं। क्या आपको ताकत की जरूरत होगी कि नहीं,
क्या दिमाग की जरूरत होगी, दिमागी पावर की जरूरत होगी? नहीं, इसमें आपको फिजिकल कैपेसिटी। तो हम लोग क्या सीखे कि कैन का यूज हम लोग फिजिकल कैपेसिटी दिखाने में करते हैं, उस जगह हम लोग क्या करेंगे, कैन का यूज करेंगे। अब आते हैं रूल नंबर 4 में। कैन इज यूज्ड टू शो द मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी। ध्यान दीजिएगा कि कैन का यूज हम लोग मेंटल एबिलिटी को दिखाने में। मेंटल एबिलिटी क्या हो गया, मानसिक क्षमता। इसमें आपको आपके शरीर में एनर्जी है या नहीं ये मैटर नहीं रखता है, मैटर ये रखता है कि आपके अंदर कितनी इंटेलिजेंसी है, आप कितने इंटेलिजेंट हो। जैसे एग्जांपल एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, दे कैन सॉल्व दिस पजल। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों सेंटेंस लिखे, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसमें दिमागी पावर की जरूरत है कि नहीं? तो जब क्या हो, मेंटल एबिलिटी की बात हो, तो बाबू हमेशा क्या कीजिएगा, कैन का यूज करना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस में क्या लिखे हैं, दे कैन सॉल्व दिस पजल, कि वे लोग इस पजल को सॉल्व कर सकते हैं। पजल समझ रहे हैं ना, रीजनिंग का एक टॉपिक है पजल, साइलोजिज्म, ये सब काफी पजलिंग सवाल आता है। दे कैन सॉल्व दिस पजल, आप लोग इस पजल को सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ दिमागी पावर की जरूरत है ना, यहाँ मेंटल एबिलिटी की जरूरत है, ना कि सभी जगह पावर यूज करेंगे। तो मेंटल एबिलिटी को दिखाने में सदैव हम लोग कौन सा मॉडल्स का यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 4, रूल नंबर 5th में लिखिए, कैन इज यूज्ड टू शो द कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी क्या हो गया, क्षमता। मेंटल एबिलिटी क्या था, योग्यता। कैपेबिलिटी दिखाने में क्षमता, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंसी, आप अंग्रेजी धारा प्रवाह बोल सकते हैं, ये आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है, ये आपके क्या बोले इंटेंशन, कि आपके अंदर इंटेंशन है कि नहीं, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी बोलने के लिए हमें अंग्रेजी का ज्ञान होना जरूरी है, इंग्लिश का विद्वान होना जरूरी है। मूर्ख लोग भी इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश तो लैंग्वेज है। तो यहाँ आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है कि आपकी स्टेमिना क्या है। अगर आपकी पॉजिटिव थॉट है तो आप अंग्रेजी बोल सकते हो, ठीक है। तो यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंसी, तो यहाँ क्या दिखा रहा है बाबू, कैन क्षमता को। चलिए नहीं अगर समझ में आया, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यू कैन ड्रिंक 5 लीटर्स मिल्क, आप 5 लीटर्स दूध पी सकते हैं, आप 5 लीटर दूध पी सकते हैं। आई मीन क्या है, आपके अंदर क्षमता है, आप डाइजेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ आपके पावर की जरूरत नहीं है, यहाँ एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग कैपेबिलिटी को दिखाने में भी कैन का यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 6 में, रूल नंबर 6, कैन इज यूज्ड टू शो द
थ्योरिटिकल प्रिंसिपल। ध्यान दीजिएगा कि थ्योरिटिकल प्रिंसिपल क्या होता है, सैद्धांतिक, है ना। थ्योरिटिकल क्या हो गया, सैद्धांतिक, जो वास्तविकता हो। क्या हो, जो वास्तविकता हो। जैसे एग्जाम्पल, एनीवन कैन डू बेटर। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा देखिए कि एनीवन कैन डू बेटर, कि कोई भी अच्छा कर सकता है, कि ये बात वास्तविकता है कि नहीं, सच्चाई है। कोई भी लोग अच्छा कर सकता है अगर वह चाह ले। तो ये थ्योरेटिकल प्रिंसिपल में आ गया, ठीक है। जो वास्तविकता हो, जो रियलिटी हो, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, है ना। ऐसे सेंस में सदैव आप कैन का यूज कीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, सॉरी नेक्स्ट रूल में चलते हम लोग। डॉट डॉट एडीसी कर दीजिए, ज्यादा एग्जांपल नहीं लेना है। से कैन इज यूज्ड टू नो कैपेसिटी एंड, ऐसा करते हैं, कैपेसिटी और कर दीजिए, और कैपेबिलिटी टू अदर्स, टू अनदर कर दीजिए। अब ध्यान से समझना है क्या, कि कैन इज यूज्ड टू नाउ द कैपेसिटी और कैपेबिलिटी टू अनदर। कैन का यूज हम एक दूसरे की कैपेसिटी, क्षमता और कैपेबिलिटी, योग्यता जानने के सेंस में। कैपेबिलिटी क्या हो गया, योग्यता, और कैपेसिटी क्या हो गया, क्षमता। एक दूसरे की क्षमता और योग्यता को जानने के सेंस में हम लोग कैन का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, कैन यू गिव मी 1 लाख रुपीज, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, कैन यू अटेंड द मीटिंग अब आइए ध्यान दीजिएगा, कैन यू गिव मी 1 लाख रुपीज, क्या आप मुझे 1 लाख रुपया दे सकते हो। तो क्या इसमें उसकी योग्यता की बात हो रही है या क्षमता की, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कैपेसिटी की जरूरत है, वहां क्षमता होना चाहिए, देने का दिल होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, ना कि उनकी योग्यता, है कि नहीं। अब सेकेंड सेंटेंस को देखिए, कैन यू कैन अटेंड द मीटिंग, क्या आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, इसमें आपको योग्यता की जरूरत है, कि आप उस मीटिंग के लायक हो या नहीं हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि नहीं, आप बात कर सकते हो कि नहीं, आप अपनी प्रपोजल को रख सकते हो कि नहीं उस मीटिंग में। तो नीचे वाले सेंटेंस क्या दिखाया, कैपेबिलिटी, योग्यता, और ऊपर वाले सेंटेंस क्या दिखाया, बारीकी से आपको समझना होगा। ऑलरेडी हम जब स्टार्ट किए थे मॉडल ऑफ डेली वर्ब्स को, तो हम आपको बोले थे कि बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो सिक्वेंशियल है। आप देखिए कि कैन का यूज हम लोग किस किस सेंस में कर सकते हैं। जब भी कैन लगाने की बात हो, आपके मन में आ रहा है कि कैन राइट होगा, तो कैन की सारे कैरेक्टर को देखिए वहां लगाकर, कि कौन सी कैरेक्टर वहां सूट कर रहा है, तो आप मॉडल ऑलरेडी वर्ब्स को डालिए। आपको पता है कि अभी क्या पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव, जितना भी ग्रामेटिकल आएगा वो आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, और एक मिस्टेक किए एक नंबर आपका चला गया, नो ऑप्शन उसमें। आपको ऐसा भी नहीं है कि चलो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ मार्क्स भी मिल जाएगा, इसलिए आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और हम लोग किसी भी टॉपिक को इतने डीपली पढ़ते हैं इसलिए, ताकि हमसे मिस्टेक ना हो। बस आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपका फिनिश हो जाता है यूज ऑफ कैन, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अभी तक में हम लोग कितने मॉडल्स का यूज पढ़ चुके हैं, मे पढ़ चुके हैं, माइट पढ़ चुके हैं, कैन पढ़ चुके हैं।
अब ध्यान दीजिएगा, अब चलते हैं थोड़ा सा रिलेशन में, इसमें मैं और कैन का क्या आपस में रिलेशन है। मैं और कैन का हर एक पर्सन के साथ अलग अलग रिलेशन है, अलग अलग पर्सन के साथ मैं और कैन अलग अलग भूमिका निभाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग स्टार डाल करके हेडिंग बनाइए, रिलेशन बिटवीन मे एंड कैन विथ ऑल पर्सन्स। ये हेडिंग हो गया हम लोगों का, क्या है, रिलेशन बिटवीन मे एंड कैन। मे और कैन का जो रिलेशन है किनके साथ, सभी पर्सन के साथ। वो देखते हैं हम लोग कि किस पर्सन के साथ आकर मे या कैन कैसा मीनिंग देता है। पर्सन्स कितने आपके पास, केवल थ्री, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन सा आ जाएगा, आई और वी। सेकेंड पर्सन में कौन आ जाएगा, यू। और थर्ड पर्सन में कौन आ जाएगा, ही सी इट और दे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं रूल डाल के लिख लीजिए, सही रहेगा। रूल नंबर वन, इफ कैन इज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन बोथ नंबर्स, देन इट शो द ऑथोरिटी। ऑथोरिटी, ऑथोरिटी क्या हो गया, अधिकार। ध्यान दीजिएगा, इफ कैन इज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन बोथ नंबर्स, यदि कैन का यूज फर्स्ट पर्सन दोनों नंबर के साथ होगा तो निश्चित रूपेण ये क्या करेगा, अधिकार को दिखाएगा। क्या करेगा, अधिकार को दिखाएगा, आई मीन मेरा यहां अधिकार है। अब आइए एग्जांपल लेते हैं। आई कैन परचेज दिस आइटम्स व्हेन एवर आई वांट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आई कैन टॉक टू देम व्हेन एवर आई नीड। अब ध्यान से देखिएगा दोनों सेंटेंस को, आई कैन परचेज दिस आइटम व्हेन एवर आई वांट। मैं इस वस्तु को खरीद सकता हूं जब मेरी मर्जी हो, जब मैं चाहूं, अर्थात मेरा क्या है, अधिकार है, ऑनरशिप है। जब कभी भी फर्स्ट पर्सन के साथ कैन का यूज होगा तो निश्चित रूपेण समझिए कि यहां ये ऑथोरिटी को दिखाता है ना। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई कैन टॉक टू देम, मैं उन लोगों से बात कर सकता हूं जब मुझे जरूरत हो, अर्थात ऐसा है, लगता है कि मैं मालिक हूं, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मेरा अधिकार है। नोटिस कीजिएगा, क्योंकि हम सभी पर्सन के साथ मैं और कैन का यूज पढ़ाएंगे आपको, आपको ध्यान दीजिएगा। अब आपके मन में चलता होगा सर कि इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो भरेंगे क्या, तो ये हम हमेशा हम लोग क्या करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं। जब आप किसी पैसेज को बनाते हो या फिर किसी लेटर को लिखते हो, चाहे वो फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, तो उस समय आपको ध्यान दीजिएगा, अर्थ से अनर्थ हो जाता है। अगर यहाँ मे लगा दिए, आपको पता है ये क्या करेगा, परमिशन को जरूरत होगा, क्या बन जाएगा। अभी जस्ट आपको लिखाते हैं, देखिए आप रूल नंबर टू में, इफ मे इज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन, विथ फर्स्ट पर्सन बोथ नंबर्स, देन
इट शोज द स्पीकर परमिशन। स्पीकर क्या हो गया? वक्ता, परमिशन। अब नोटिस कीजिएगा क्या लिखे हैं। इफ मे इज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन बोथ नंबर्स देन इट शोज द स्पीकर परमिशन। अगर आप फर्स्ट पर्सन के साथ मे लगाते हो तो निश्चित रूप से इसमें वक्ता को परमिशन की जरूरत होता है। बिना परमिशन का आप ये नहीं कर सकते। एक लाइन में दोनों में अंतर बतला देते हैं हम आपको, फिर से रिपीट करके कि अगर फर्स्ट पर्सन के साथ कैन का यूज करते हैं तो ये हमेशा अथॉरिटी को दिखाता है, हमेशा अपना अधिकार को दिखाता है, ओनरशिप को दिखाता है। बात समझ में आई? अगर आप मे का यूज करते हैं तो इसमें हमेशा परमिशन को दिखाता है। आप वक्ता को हमेशा परमिशन की जरूरत है। ऑलरेडी हम आपको मे के यूज में भी पढ़ाए थे ये चीज कि मान के चलिए कि ये घर मेरा है तो मैं आऊंगा, मुझे भी परमिशन लेना है, और आप आइएगा, आपको भी परमिशन लेना है। ये घर मेरा है, मेरा इस पे अधिकार है, तो क्या बोलेंगे? कैन आई कम इन। क्या बोलेंगे? कैन आई कम इन। बट आप आइएगा तो आपको क्या बोलना होगा? मे आई कम इन, क्योंकि आपको परमिशन लेने की जरूरत है और मुझे इसमें परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ मेरा अधिकार है। बात समझ में आ गई? सेम उसी प्रकार अगर फर्स्ट पर्सन के साथ आप कैन का यूज करते हैं तो ये आपका अधिकार को दिखाता है। जैसे क्या लिखे हैं, आई कैन परचेज दिस आइटम्स व्हेन एवर आई वांट। मैं इस आइटम्स को, इस वस्तु को खरीद सकता हूं जब मैं चाहूं। लगता है क्या? सेंटेंस ही लगता है, जब मैं चाहूं मैं ये कर सकता हूं, तो ऑलरेडी क्या है, यहां मेरा अधिकार है, मेरा मालिकाना हक है। दूसरा एग्जाम्पल है, आई कैन टॉक टू देम व्हेन एवर आई नीड। मैं उन लोगों से बात कर सकता हूं जब मेरी जरूरत हो। ऐसा लगता है क्या है, मेरा हक है, मेरा अधिकार है। बट इसी जगह अगर आप मे को लगा देते हैं, क्या लिखे हैं, इफ मे इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन बोथ नंबर्स देन इट शोज द स्पीकर परमिशन। अगर फर्स्ट पर्सन के साथ आप मे का यूज करते हो तो इसमें वक्ता को परमिशन लेने की जरूरत है कि नहीं? अब इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। आई मे परचेज दिस आइटम्स When ever I need। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, I may talk to them when ever I want। सिंपल सी बात है, दोनों एग्जाम्पल देखिए डिक्टो है, ठीक है? दोनों एग्जाम्पल डिक्टो है। आई मे परचेज दिस आइटम्स वेन इवर आई नीड, हिंदी भी सेम निकलता है। मैं इस वस्तु को खरीद सकता हूं जब मुझे जरूरत है, लेकिन ध्यान दीजिएगा मैं यहां क्या कर देता है आपको। आप खरीद सकते हैं लेकिन बिना परमिशन का नहीं खरीद सकते। ये चीज कौन बतलाता है? यूज ऑफ मी। आप कहिएगा कि सर इस तरह का सेंटेंस में अगर फिल इन द ब्लैंक्स होगा तो क्या भरेंगे, मैं या कैन भरेंगे? तो इस तरह का आपको नहीं पूछा जाएगा। ये हम पहले क्या बोले, ये हम लोग यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, ठीक है? तो इसमें क्या हो गया, परमिशन की जरूरत है। आई मे टॉक टू देम वेन एवर आई वॉन्ट। मैं उन लोगों से बात कर सकता हूं जब मैं चाहूं बात कर सकता हूं, लेकिन बिना परमिशन का बात नहीं कर सकते हैं। ज्यादा दिक्कत होता है तो लिखिए विदाउट, कांट टॉक विदाउट परमिशन, विदाउट परमिशन। आप बिना परमिशन का बात नहीं कर सकते हैं, ये कौन सिखाता आपको? मैं। बात समझ गई? फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकंड पर्सन के साथ पढ़ेंगे, थर्ड पर्सन के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास में बस हम लोग इतना ही तक पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेकंड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ। आप केवल वीडियो के साथ बने रहे और आप अटेंटिवली पढ़ते रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, बाय।